आर्ट न्यूज चैनल दे तुहाडा स्वागत। सोना टांडा वालों बलात्कार अते हत्या दे दो दोषियों नू कीता गया गिरफ्तार, ये खबर तुहाडे नाल सांझी करन जा रहे हैं। जे तुसी साडे चैनल नू सबसक्राइब नहीं कीता तां सबसक्राइब कर लो, नाल ही बैल आइकॉन भी दबा लो। सब इंस्पैक्टर मलकीत सिंह मुख अफसर थाना टांडा जिला हुशियारपुर ने दसिया के मानयोग सीनियर पुलिस कप्तान हुशियारपुर श्री सरताज सिंह चाल दे दिशा निर्देशों मुताबिक जिले के अंदर माड़े अंसरां उपर काबू पाउण लई विशेष मुहिम चलाई गई है, जिस दे तहत श्री कुलवंत सिंह DSP सब डिवीजन टांडा जी की अगवाई दे विच थाना टांडा के अधीन आउंदे एरिए दे विच माड़े अंसरां नूं गिरफ्तार किया जा रहा ता असर भी सामने आ रहा है। लगातार शरारती अंसर फड़े जा रहे ने। इसे सिलसिले दे विच एक महीना पहला ही किशन पुत्र कुंदलाल वासी बोदल कोटली थाना टांडा दे बयाना मुताबिक उन्हां दी बेटी नवजोत कौर उर्फ ज्योति उम्र 28 साल रजिंदर कुमार पुत्र राजकुमार वासी बोदल कोटली दे घर गई सी ते उसदे घर दे विच कपड़िया दे विच लिपटी नवजोत कौर की लाश हाथ मूह बन्ने हुए एक पेटी दे विच पई हुई सी। किशन नूं यकीन है कि लड़की नवजोत कौर उर्फ ज्योति नाल रजिंदर कुमार पुत्र राजकुमार वासी बोदल कोटली ते करण कुमार पुत्र राज ने बलात्कार किया सी ते उसे हाथ पैर मूंह बन के गला घुट के उसनू मारिया सी ते बाद विच मौके तो भज गए सी, जिससे मुकदमा थाना टांडा च दर्ज किया गया सी। दौराने तफतीश अज दो दोषियां रजिंदर कुमार पुत्र राजकुमार ते करण कुमार नूं वी बोदल कोटली थाना टांडा गिरफ्तार कर लिया गया। तुसी देख रहे हो अड्डा सरा तो जसवीर काजल दी विशेष रिपोर्ट। कल 96 नंबर मुकदमा दर्ज होया सी अंडर सेक्शन 302, 201, 374 IPC तहत। इहदे विचों तीन दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज सी, जिहदे विचों असीं दो दोषियों नूं अरैसट कर लिया ते एक दे खिलाफ जिहड़े हाले असीं रेड कीते जा रहे आ उहनूं भी जल्दी अरैसट करन दी कोशिश की जा रही है।